सो हेलो एवरीवन, आज का जो चैप्टर है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एनसीईआरटी का बायो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ये 16 चैप्टर है एंड इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बी इट बैक्टीरिया, बी इट प्लांट, बी इट एनिमल, सभी को क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आर फूड आर, अब यहाँ पे हम ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे ना कि ह्यूमन बॉडी के लिए पढ़ेंगे हम ये सब। तो जब हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो जो मेजर हमको फूड कंपोनेंट चाहिए होता है ह्यूमन बॉडी को, वो चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। जब हम आगे, हमने जो बायो मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा होगा कि जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं इनका कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, तो हमें थोड़ी अमाउंट में वो भी चाहिए होता है। उसके बाद फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड, तो जो फूड है ये हमको एनर्जी और ऑर्गेनिक मटीरियल भी प्रोवाइड करता है जो कि हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ज़रूरी होता है। द वाटर वी टेक इज इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली अब हम आगे एक एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी से यूरिया को बाहर करने में। तो यहाँ पर को वाटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। अब जो हमें फूड से बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मिले जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स हैं, इनको हम ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते हमारी बॉडी में। सो दे हैव टू बी ब्रोक डाउन एंड कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो अब यहाँ पर हमको एक डाइजेशन की हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन मिल गई है कि जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एंड इज कैरीड आउट बाई आर डाइजेस्टिव सिस्टम इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय केमिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। अब ये जो प्रोसेस है बायो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, ये जो होती है ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से की जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। उसमें क्या होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं। अब सबसे पहला जो हमारी एलिमेंट्री, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन इंटीरियर ओपनिंग द माउथ। सबसे पहले हमारा माउथ आता है जो कि इट ओपन्स आउट थ्रू द पोस्टीरियर थ्रू द एनस। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, एनस में होता है। एनस पोस्टीरियर प्रेजेंट है और जो हमारा माउथ है वो क्या है, एंटीरियर ओपनिंग है। द माउथ लेट्स टू द बक्कल कैविटी, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्क्यूलर टंग। तो हमारे माउथ में तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक सलेवरी ग्लैंड जो कि किसका पार्ट है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का पार्ट है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ का पार्ट है वो क्या है, मतलब जो माउथ है उसमें क्या है, एक तो टीथ हैं और दूसरा क्या है, टंग है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो टीथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टीथ का क्या है कि जो हमारा टीथ है, जो ईच टीथ है हमारा, वो कहाँ पर, वो एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जो हमारी जॉ होती है उसके सॉकेट में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। इस अरेंजमेंट को हम थीकोडोंट कहते हैं। और जो मेजॉरिटी मैमल्स होती हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनके पास क्या होते हैं, दो सेट्स होते हैं टीथ के एक लाइफ टाइम में। और एक होते हैं टेम्परेरी टीथ जो कि टूट जाते हैं, जो कि बच्चों के होते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है, जो कि अडल्ट टीथ भी कहते हैं जिन्हें हम। इस तरीके की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट कहते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो टीथ की अरेंजमेंट है, सबसे पहले वो क्या हो गई, थीकोडोंट, उसके बाद सेकंड क्या है, डाइफायोडोंट, उसके बाद एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। तो ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं टीथ के, वो क्या हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।
जो अरेंजमेंट है टीथ की वो क्या है, इस इन ईच हमारे जो अपर और लोअर जॉ है उसमें कैसी होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। और जो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट्स का वो होता है 2-1-2-3। जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का उसको हम इनामल कहते हैं। अब ये जो टीथ है ना, मैंने पूरा का पूरा टीथ का एक अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जो मैं आई बटन पे दे दूंगी। तो अगर आपको पूरा टीथ डिटेल में पढ़ना है तो आप उसको देख सकते हो, यू कैन रेफर दैट। ठीक है, बात जो हमारी टंग होती है ये क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये हमारी ओरल कैविटी से किस चीज़ से अटैच होता है, फ्रेन्यूलम से अटैच होता है। जो हमारा अपर सरफेस होता है टंग का उसमें क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। पेपिलिया का जो लिटरल वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग यही होता है कि आउटग्रोथ। ठीक है, तो जो हमारी टंग में आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है उसको हम पेपिलिया कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये आउटग्रोथ्स क्या होते हैं, इनके पास कुछ टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, द ओरल कैविटी लेट्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड। एंड आप पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग शेयर्स यू नो मतलब इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो ये क्या है, फेरिंग्स है। द ईसोफेगस इन द ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। तो जो हमारा ईसोफेगस होता है और जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होता है, वो कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें फेरिंग्स में ओपन होती हैं, तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है दोनों चीज़ों के लिए। द कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया उसकी ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस में फूड की एंट्री को कौन रोकता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेजनस फ्लैप है। ठीक है, ड्यूरिंग सॉलोइंग जब हम सॉलो करते हैं, यानी इसको हम डीग्रेडेशन भी कहते हैं, यानी कि जब हम खाना सॉलो करते हैं, जो हमारा ईसोफेगस होता है उसमें फूड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिखने का ये मतलब था कि जब हम खाना सॉलो करते हैं तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या करता है, कवर कर लेता है ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप है, ताकि जो हमारा खाना है वो कहाँ, विंड पाइप पे ना जाए, और कहाँ जाए, डायरेक्ट वो ईसोफेगस में जाए। ठीक है, तो द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स, डायफ्राम एंड लेस टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो ईसोफेगस है वो कैसे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है या फिर एंटीरियरली प्रेजेंट है। तो इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्या है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो तीन होती हैं, सबसे पहले पैरोटिड, अब इसकी लोकेशन देख लो आप कहाँ पे प्रेजेंट है ये। ठीक है, उसके बाद एक है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, इस सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, और एक होती है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल मतलब जीभ के नीचे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी मतलब मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो कि जो माउथ है और मतलब जो ईसोफेगस है और जो विंड पाइप है, ये दोनों एक कॉमन पैसेज पे खुल रहे हैं जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये ग्लॉटिस है, इस ग्लॉटिस की जो कवरिंग होगी उसको एपिग्लॉटिस कहेंगे। उसके बाद ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस जे शेप स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक फिर है फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक ये वाला रीजन है, फंडस वो वाला रीजन है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला रीजन क्या है, पाइलोरिक। उसके बाद ये कहाँ पे खुलता है, ये ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसका शेप होता है सी शेप। ठीक है, ड्यूडेनम, उसके बाद ड्यूडेनम, जेजेनम एंड ईलियम, ये किसके पार्ट होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। उसके बाद सीकम, कोलोन एंड रेक्टम जो होते हैं ये किसके पार्ट होते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और ये जो सीकम होता है ये ब्लाइंड सैक होता है, और ये किसको
ये वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस को क्या करता है, मतलब इससे जो आउटग्रोथ होती है वो वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस जो आउटग्रोथ होती है इसी से होती है, ठीक है। सील सीकम, फिर कोलोन, फिर ट्रांसफर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन में कन्वर्ट होता है। और फिर डिसेंडिंग कोलोन में के बाद क्या आता है, सिग्मोइड कोलोन आता है, और फिर क्या आता है, रेक्टम आता है, और फिर क्या होता है, एनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो ये क्या हो गया, जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम स्टमक कहते हैं। उसके बाद हम मस्क्यूलर स्पिंचर, जो स्पिंचर है प्रेजेंट है ताकि जो फूड है ना उसका बैक फ्लो ना हो, इसके लिए स्पिंचर होता है। अब बात ये होती है, एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिंचर एंड वॉल्व, वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो डिफरेंस है वो ये है कि जो स्पिंचर होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं, मतलब उनका बैक फ्लो भी हो सकता है। लेकिन जो वॉल्व होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं, धोखा नहीं देते। तो अब शुरू करते हैं। अब मस्कुलर स्पिंचर जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर कहते हैं, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग को ईसोफेगस की स्टमक में, ठीक है। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ फोर मेजर पार्ट्स। अब इसके क्या हैं, फोर मेजर पार्ट्स हैं स्टमक के। तो अब इसमें क्या है ना, फोर पार्ट दिए हुए हैं। पहला है कार्डियक, फिर है फंडस, फिर है बॉडी, और फिर क्या है, पाइलोरिक, ठीक है। विच ओपन इन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या ओपन होता है, पाइलोरिक रीजन ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंग्विशेबल इंटू थ्री रीजन्स, अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजनम, एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इन टू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाई पाइलोरिक स्पिंचर। अब जो स्पिंचर प्रेजेंट है ड्यूडेनम के बीच में और स्टमक के बीच में, वो क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर है। उसके बाद ईलियम ओपन्स इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम कोलोन एंड रेक्टम। जो सीकम होता है वो क्या होता है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है इसका, सीकम है आंसर। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, विच ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम सीकम। ये मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया था। द सीकम opens into the colon. The colon is further divided into four parts, an ascending, a transverse, descending and a sigmoid colon. अगर आपके पास old NCRT है तो उसमें लिखा हुआ है three parts, but अभी new वाली NCRT में एक और part add हो गया है, वो है sigmoid colon. The descending part opens into the rectum which opens out through the anus, ठीक है। तो descending part कहाँ पे होगा, rectum. Rectum में क्या है, थोड़ी मतलब कि टेम्पोरेली क्या होता है, फीकल मटेरियल का स्टोरेज होता है। टिप, ये जो अरेंजमेंट है टीथ की जॉ में वो ऐसी है, इंसीजर ये, फिर उसके बाद जो आगे के दो होते हैं वो क्या है, इंसीजर है, उसके बाद फिर क्या है, कैनाइन है, क्या होता है, 2-1-2-3 ये होता है ना फॉर्मूला। तो 2 incisors, 1 canine, 2 premolars एंड 3 क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है टीथ का, ठीक है। वो ये सेम अरेंजमेंट इस साइड भी होगा और ऊपर भी होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 वॉल्स। अब इसका एक जो डायग्राम है जब हम उसको देखेंगे ना तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस कितने में बोला था, 4 मस्कुलर जो लेयर्स हैं उसमें क्या है, ईसोफेगस की जो लेयर्स हैं वो इतनी है, ठीक है। सबसे पहले है सीरोसा, ये क्या है, थिन मीजोथीलियम की ये बनी हुई होती है, ठीक है, थिन मीजोथीलियम की ये बनी हुई होती है। उसके बाद जो मस्क्यूलरिस है, ये क्या है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल इसकी बनी होती है। और कहीं कहीं पे इसमें क्या होते हैं, ऑब्लीक भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मसल्स जो होती हैं। उसके बाद सब न्यूकोसा,
ये जो पार्ट होता है इसमें क्या होती हैं, लिम्फ और नर्व प्रेजेंट होती हैं, और ओनली ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा इज बर्नर्स ग्लैंड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद म्यूकोसा है, और बाकी जितनी भी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, वो फ्रॉम ब्रूनर्स ग्लैंड जितनी भी ग्लैंड होंगी वो सारी म्यूकस पे होंगी, और ये जो खाली स्पेस है ये क्या है, ल्यूमन है। अब उस थ्योरी को पढ़ते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस फोर लेयर्स। सबसे पहले क्या है, सीरोसा मस्क्यूलरिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम सेल्स, ठीक है, विच विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मस्क्यूलरिस इज फॉर्म्ड बाई स्मूथ मसल्स यूजअली अरेंज इन टू एन इनर सर्क्यूलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और कहीं कहीं पर क्या होती हैं, ऑब्लीक भी प्रेजेंट होती हैं। द सब म्यूकोसल लेयर फॉर्म्स लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। द ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ये भी आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। उसके बाद द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो क्या होती है, म्यूकस होती है। अब जो म्यूकस की जो फोल्ड्स होती हैं एम्प्टी स्टमक में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रुएज, ठीक है। और यही रुएज जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम इनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, या विली भी कहते हैं कुछ। और वो विलाई जो होती हैं वो फर्दर किसमें, उनमें जो ब्रश बॉर्डर लाइक अपीरियंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। दीज मोडिफिकेशन इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया इनॉर्मसली। तो ये जो माइक्रो विलाइज प्रेजेंट, ये जैसे ये विलाई है इसमें क्या है, माइक्रो विलाइज प्रेजेंट होंगी, तो ये क्या करती हैं, जो सर्फेस एरिया है उसका वो क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। विलाई में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टेल। अब इसको भी हम डायग्राम में देखेंगे। म्यूकोसल एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट्स म्यूकस। अब यहाँ पे से हम क्या आ गए हैं ना, ये जो पैराग्राफ है इसमें हम ग्लैंड पढ़ेंगे वो भी स्टमक की। तो सबसे पहली ग्लैंड क्या है, गॉबलेट सेल्स कहते हैं जिसको, ये क्या होती हैं, यूनिसेल्यूलर होती हैं, ठीक है, विच सिक्रीट्स म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकस ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन स्टमक, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब जो म्यूकस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फॉर्म करता है, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहान कहते हैं। ऑल द फोर लेयर शोज मोडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो फोर लेयर्स हैं जिसको हम सीरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस कह रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ईसोफेगस के, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें, एलिमेंट्री कैनाल है जो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, मोडिफिकेशंस को शो करते हैं। विलाई ये क्या है, लैक्टेल। उसके बाद ये क्या है, कैपिलरीज, ये आर्टरीज, क्रिप्ट्स इन बिटवीन ऑफ, क्रिप्ट्स इन बिटवीन विलाई जो बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये लिम्फ होते हैं शायद, और वेन्स। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं एसोसिएटेड होती हैं एलिमेंट्री कैनाल से, ये इंक्लूड करती हैं सलेवरी ग्लैंड। अब हमने क्या किया, पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल पूरी पढ़ ली, जो भी एलिमेंट्री कैनाल में था वो सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या हैं, सबसे पहले माउथ से शुरू कर रहे हैं, तो माउथ में क्या है, सलेवरी ग्लैंड है, द लिवर एंड द पेनक्रियास, ये जो ग्लैंड्स हैं हमको बेसिकली ये पढ़नी है। अब जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सलाइवरी, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहली है पैरोटिड, जो कि चीक्स में प्रेजेंट होती है, द सब मैक्सिलरी और सब मैंडुबुलर, जो लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, और सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब लिंगुअल जो बहुत चलती है लोगों की, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब उसके नीचे प्रेजेंट होती है, इसीलिए इस ग्लैंड को हम सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। तो दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस एंड इट्स इनटू द बक्कल
कैविटी। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जनरेट हुआ है, और वो ये है कि सलाइवरी जो ग्लैंड होती है वो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है या बाहर प्रेजेंट होती हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो? दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं बक्कल कैविटी की, लेकिन जो इनकी सिक्रीशन होती है वो कहाँ होती है? इनसाइड बक्कल कैविटी होता है। ओके, देन एक ग्लैंड इसमें कंप्लीट हो गई। अब दूसरी ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका वेट 1.2 से 1.5 केजी होता है। जो मेल्स होते हैं ना उसमें ये थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब जो लिवर होता है उसमें क्या होती हैं? टू लोब्स होती हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अब ये एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, तो वो क्या होगा? हेपेटिक लोब्यूल होगा। उसके बाद जो ये हैं ये क्या करती हैं? ये हेपेटिक सेल्स को कंटेन करती हैं, जिनकी अरेंजमेंट किस फॉर्म में होती है? कॉर्ड्स की फॉर्म में होती है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्स्यूल। ओके, जो लिवर है वो किससे कवर है? ग्लिसन्स कैप्स्यूल से कवर है। और अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लिसन्स कैप्स्यूल मतलब जो प्रेजेंस ऑफ ग्लिसन्स कैप्स्यूल है ये क्या है? इट्स एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन लिवर। उसके बाद द बाइल सिक्रीटेड बाई हिपैटिक सेल पासिस थ्रू हिपैटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब वो जो गॉल ब्लैडर जो चीज़ स्टोर करता है ना वो हमारे कहाँ से? लिवर से निकली हुई होती हैं। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, अलोंग विथ, तो ये होता है कि जो हमारी हिपैटिक डक्ट होती है वो क्या करती है ना, वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में सिक्रीशन करती है बाइल का, लेकिन वो क्या करती है समटाइम्स जो अपना सिक्रीशन है उसको क्या करती है, पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर करती है और कंसनट्रेट करती है। तो फ्रॉम द लिवर, अब ये दोनों, एक तो डायरेक्टली जो लिवर से आ रही है वो, और जो गॉल ब्लैडर है किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये दोनों टुगेदर एक कॉमन डक्ट कहते हैं, जिसको हम हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट कहते हैं, जो कि गार्डेड होता है स्पिंचर ऑफ ओडाई से। ठीक है, स्पिंचर ऑफ ओडाई कहाँ पे ओपन होता है? ड्यूडेनम में ओपन होता है। उसके बाद जो पेनक्रियाज होती हैं, पेनक्रियाज क्या होती हैं? ये बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होती हैं। इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ शी शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप क्या होता है? सी। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एंड एल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स। द इंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स हॉर्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अब ये जो हॉर्मोन इंडोक्राइन जो इसका रोल है ना, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? हम इंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियो। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका एक्सोक्राइन हमको जो यूज़ है वो पढ़ना है। और वो एक्सोक्राइन यूज़ क्या है कि ये क्या करता है? सिक्रीट करता है पेनक्रेटिक जूस। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पेनक्रेटिक जूस होते हैं उनका नेचर क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कलाइन नेचर के होते हैं वो। अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ ली? हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ी? उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ ली। अब बारी है डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ने की। जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो क्या होता है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस दोनों से चलता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस में बात कर रहे हैं तो ये क्या है? चर्निंग मूवमेंट होता है। ठीक है, पेट में तो क्या होता है? चर्न होता है, मिक्स होता है। अच्छा, तो अब ये शुरू करते हैं। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू फंक्शंस। अब जो हमारा बकल कैविटी है उसके क्या होते हैं? दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले है मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, फैसिलिटेशन ऑफ सॉलोइंग, यानी कि सॉलो कराने में भी वो हेल्प करता है। द टीथ एंड द टंग विच हेल्प्स इन सलाइवा मैस्टिकेटेड एंड मिक्स अप
ऑफ फूड, मतलब कि जो सलाइवा है उसको मिक्स करना फूड को, फूड पे. म्यूकस एंड सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन एंड एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इन टू अ बोलस. अब इसमें क्या करना ना, आप रोटी अपने मुँह पे लेना और उसको चबाना और उसको फिर बाहर निकालना, तो वो जो सलाइवा मिक्स रोटी होगी ना, इट इज़ नथिंग अदर देन बोलस. उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं. अब द बोलस इज देन कन्वेड इन टू द फेरिंग्स एंड देन इन टू द ईसोफेगस बाय सॉलोइंग और डीगटेशन. तो ये जो प्रोसेस है सॉलोइंग को की, इसको हम क्या कहते हैं, डीगटेशन भी कहते हैं. द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाइलिस. तो ये जो ईसोफेगस है इसमें जो बोलस है इसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होगा, ठीक है. इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिस कहते हैं. अब जो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ठीक है. स्पिंचर ओपन होगा और क्या आएगा, फूड अंदर आएगा स्टमक के. अब जो सलाइवा है ये क्या करता है, ये कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स. वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम. तो ये जो एंजाइम है क्या, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम. ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में. 30% ऑफ जो स्टार्च का डाइजेशन है वो कहाँ पे हो जाता है, माउथ में. और लाइजोजाइम्स, लाइजोजाइम्स क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं. क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल. द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स स्प्लिटिंग एंजाइम. जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की, इनिशिएट कहाँ पे होती है, ओरल कैविटी में, ठीक है. ओरल कैविटी में कैसे, सलाइवरी अमाइलेज से. अब उसके बाद 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दीज एंजाइम. अब जो ऑप्टिमल पीएच होता है, माउथ का पीएच दिया हुआ है ये, मतलब जो मुंह है हमारा उसका पीएच क्या है, 6.8, क्या है, स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं हम, इनटू अ डाइसैकेराइड माल्टोज. लाइजोजाइम जो होता है वो क्या है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है. अब जो है यहाँ पे, अब हम ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम गैस्ट्रिक ग्लैंड में आ गए. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ग्लैंड्स तो हमने देख ली कि कौन कौन सी ग्लैंड्स क्या क्या है. अब इनका जो डाइजेशन में फंक्शन है वो क्या है, वो हम ये देखने वाले हैं. द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. जो हमारी म्यूकोसा होती है स्टमक की, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स. अब जो ये स्टमक वाली है इसमें तीन तरीके की सेल हैं. सबसे पहले है म्यूकस और नेक सेल कहते हैं, जिसको हम ये क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है. उसके बाद पेप्टिक और चेफ सेल्स हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोइंजाइन पेप्सिनोजन एंड प्रो रेनिन भी ये सिक्रीट करती है, और थोड़ा अमाउंट में क्या करती है, लिपेज को भी सिक्रीट करती है. तो ये क्या करती है, अलोंग विथ दिस पेप्सिनोजन प्रो रेनिन एंड अ लिटिल बिट ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ लिपेज भी क्या करती है, सिक्रीट करती है. पेराइटल सेल और ओजेंटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो HCl सिक्रीट करती हैं, जिसको हम इंट्रांसिक फैक्टर भी कहते हैं. विच दिस फैक्टर इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. जो विटामिन B12 है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबाल अमाइन. और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, पेरिनीशियस एनीमिया. तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना. द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours. द फूड मिक्सेस स्लोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्क्यूलर वॉल्स. इट इज कॉल्ड चाइल्ड. अब बोलस क्या होता है ये आप मुझे बताना क्या होता है, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है. चाइम क्या होता है, वो जो फूड है उसमें HCl का मिक्स होना, किसके मूवमेंट से, मस्कुलर वॉल के मूवमेंट से. द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर ऑफ HCl गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन. द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक.
पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड्स। जो प्रो इंजाइम होता है पेप्सिन, जब वो एक्सपोजर में आता है HCl के, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, एक्टिव इंजाइम में पेप्सिन। जो ये पेप्सिन होता है ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को, ये पूरी रिएक्शन हम आगे देखेंगे। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम बाई न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ HCl। एक्सकोरिएशन बाई द हाईली कंसनट्रेटेड HCl, HCl प्रोवाइड्स अ एसिडिक pH। जो हमारा स्टमक का pH होता है वो कितना होता है, 1.8 होता है, जो कि क्या होता है, ऑप्टिमल होता है पेप्सिन के लिए। उसके बाद जो रेनिन है, रेनिन, अब एक होता है रेनिन जो कि हमारी किडनी सिक्रिएट करती है, एक होता है रेनिन जिसमें डबल एन है। तो जब हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो डाई मतलब क्या होता है, टू। तो यहाँ पे जो स्टमक में जो रेनिन प्रेजेंट होगा उसमें क्या है, दो एन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो रेनिन है ये कहाँ होता है, इन्फेंट में होता है। ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपेजेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो लिपेज है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी सिक्रेट होता है। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाई द मस्क्यूलरस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बहुत अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हैं मस्क्यूलरस लेयर से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है वो जनरेट करती है। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थ्रो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सिक्रीशन द इंटेस्टाइन, देयर बाई फैसिलिटेट डाइजेशन। ओके, अब जो हमारा ड्यूडेनम होता है वहाँ पे क्या होती है ना, पेनक्रेटिक सिक्रीशन होती है और हेपेटिक सिक्रीशन होती है, जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी सिक्रीशन होती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फूड के साथ मिक्स करने में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर लेयर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वो शो करती है, क्या करती है, शो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट। अब उसके बाद द बाइल पेनक्रेटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिक्वायर्ड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रेटिक जूस एंड बाइल रिलीज थ्रू द हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। द पेनक्रेटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, 6 एंजाइम्स होंगे इसमें, ट्रिप्सिनोजन, साइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लिपेज एंड न्यूक्लियसेस। अब एक इजी ट्रिक ये है कि इसमें अब ये भी पूछता है कि पेनक्रेटिक, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से पेनक्रेटिक जूस कौन सा है, या फिर इसमें से क्या है, ये तो एक होगा इंटेस्टाइनल जूस कौन सा है, जिसको हम सल्कस इंट्रांसिक भी बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ये कहना सल्कस इंट्रांसिक बहुत सारे हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप पेनक्रेटिक जूस याद कर लो, उनके अलावा जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटेस्टाइनल जूस होंगे। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंट्रोकाइनेज सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, व्हाइल इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पेनक्रेटिक जूस। जो ट्रिप्सिनोजन है ये क्या है, एंजाइम एक्टिवेट किससे होता है, इंट्रोकाइनेज से जो होता है क्या होता है, एक्टिवेट होता है, जो कि इंटेस्टाइन से की म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट। जो बाइल होता है वो क्या करता है, बाइल पिगमेंट कंटेन करता है, जिसको हम बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डन कहते हैं, और बाइल सॉल्ट्स कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। तो जो बाइल होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डन, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं एंड फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरियस स्मॉल मिसाइल्स। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लिपेसिस। ओके, तो बाइल क्या करता है, जो फैट होता है ना, ये ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता है, तो बाइल क्या करता है, इसको इमल्सिफाई करता है। अब इसमें क्या होगी, कोटिंग लग जाएगी बाइल की, और फिर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे।
द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस. जो इंटेस्टाइनल म्यूकोस है उसमें क्या है, गॉबलेट सेल्स होती हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीट करती हैं म्यूकस को. द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस एंड सल्कस इन ट्रांसिट. अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं. क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं. अब क्वेश्चन ये होगा कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या है, तो यहाँ पे जो सल्कस इन ट्रांसिट है वो क्या चीज़ इंक्लूड कर रहा है, वो गॉबलेट सेल का सिक्रीशन भी इंक्लूड कर रहा है. द जूस कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसेकेराइड माल्टेज डाइपेप्टाइज लिपेज न्यूक्लियेजेस. The mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucus from acid as well as provide an alkaline medium for enzymatic activities. The submucosal gland, Brunel's gland also help in this. Brunel's gland क्या secrete करती है, mucus and HCO3. ये कहाँ पर present है, duodenum में present है. और ये क्या है, only gland which is submucosal in origin. Okay. जो प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीओसेस हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिनोजन साइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सी पैप्टिडेज किसमें चेंज हो रही है, डाइपेप्टाइज में चेंज हो रही है. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है इन द चाइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रेटिक अमाइलेज इनटू डाइसेकेराइड. ठीक है, उसके बाद जो फैट है जिसका ब्रोक डाउन हो रहा है लिपेज में, वो पहले किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डाइसेकेराइड में, और फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोसेकेराइड में. उसके बाद जो न्यूक्लियस है, इन द पैनक्रेटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स. अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सारे कहाँ पे होंगे, ये इंटेस्टाइनल जो हमारा इंटेस्टाइनल जो जूस है उसका एक्शन है. ये डाइपेप्टिडेज अम्यूनो एसिड, इसको आप मैक करके आज कर सकते हो, माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. अब इसमें क्या है, लैक्टोज का क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. गैलेक्टोज को हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं. उसके बाद सुक्रोज को आप ऐसे याद रख सकते हो, स्वीट GF. तो सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोसाइड में और उसके बाद किस में, शुगर में और बेस में. डाई एंड मोनोग्लिसराइड किस में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. अब जो ब्रेकडाउन है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का जो कि मेंशन किया हुआ है ऊपर, ये कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम रीजन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के. द सिंपल सब्सटेंस दिस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो सिंपल सब्सटेंस है जिनका ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जेजनम में और इलियम में. तो ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम में, और बाकी एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहे हैं, जेजनम में और इलियम में. अब इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है वो कहाँ पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को, और इसमें से कुछ मतलब बहुत कम एब्जॉर्प्शन हो पाता है वहाँ पे, क्योंकि बेसिकली जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे हो गया है, वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली फंक्शन ये है कि वो क्या करेगा, एडहेरिंग करेगा और क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा. नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो उसमें बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल का और सर्टेन ड्रग्स का. और सिक्रीशन किसका होता है, म्यूकस का, जो कि हेल्प करता है एडहेरिंग में वेस्ट अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल होते हैं उनको और क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है उसको, क्या इजी पैसेज हो जाए ताकि उसका अनडाइजेस्टेड फूड का. अब अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जॉर्बेबल सब्सटेंस कॉल्ड फीकस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसीकल वॉल्व. अब वॉल्व का जो मैंने फंक्शन बताया था कि वो क्या करते हैं, धोखा नहीं देते, वो पीछे मतलब बैक फ्लो नहीं करते, तो ये सिर्फ वन डायरेक्शन फ्लो करेगा. ठीक है, which prevents the backflow of the fecal material. It is temporarily stored in the rectum till defecation. उसके बाद the digestive, the activity of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control.
तो जो एक्टिविटी है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, यानी कि जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, जो मसल्स का मूवमेंट है, वो बहुत न्यूरल एंड हार्मोनल दोनों चीज़ों से कंट्रोल होता है. द साइट स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. फूड देख के सलाइवा हमारा सिक्रीट हो सकता है. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है, साइमल्टेनियसली, मतलब जो कि स्टिमुलेट होते हैं कहाँ से, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है साइमल्टेनियसली जो फूड को, जैसे सलाइवा का सिक्रीशन होता है साइमल्टेनियसली उनका भी वर्क हो रहा है. ये कहाँ से स्टिमुलेट कहाँ से हो रही है, न्यूरल सिग्नल से. द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू CNS. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाई लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. कैलोरीफाइड वैल्यू है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की एंड फैट की. तो अब इसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें यही लिखा हुआ है कि जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस रेस, मतलब टेम्परेचर रेस करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, किलो मतलब जूल या कैलोरी कहते हैं. सिंस द वैल्यू इज़ टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फिजियोलॉजिकली कॉमनली यूज, 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस टेम्परेचर ऑफ 1 kg, ठीक हो गया. न्यूट्रिशनली ट्रेडिशनली ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 1 ग्राम फूड इनटू अ बॉम कैलोरीमीटर, एक क्लोज कैलोरीमीटर है जिसमें 1 ग्राम ऑफ फूड क्या कर रहे हैं हम, का कंबर्शन कर रहे हैं, तो वो जितनी भी हीट क्या करेगा, लिबरेट करेगा. और इसको हमने क्या किया, O2 से फिल कर रखा है इस चैम्बर को. Is its gross calorific or gross energy value the actual amount of energy consumption of 1 gram of food is physiological value of the food. Gross clarified value of carbohydrate, protein and fats are अभी दी हुई है. कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, 4.1, प्रोटीन की है 5.65 और जो फैट है उसकी कितनी है, 9.45. Whereas their physiological value are 4, 4 and 9 respectively. ठीक है, तो ये क्या है, इसकी gross calorified value जो होती है वो ये है और physiological value होती है 4, 4 and 9. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं absorption of digestive food. Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. जो हमने food हमने digest किया वो कहाँ पर enter होगा, mucus, mucosa के through, blood में या फिर lymph में. It is carried out by, अब इसके तीन तरीके से ये क्या होता है, digest होता है. सबसे पहला है active, passive, दूसरा और तीसरा है facilitated transport. Small amount of monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride generally absorbed by simple diffusion. The passage of these substances into blood depends upon the concentration gradient. तो पहला हो गया हमारा क्या, सबसे पहले हमने जो देखा था वो यहाँ से देखा था हमने सिंपल डिफ्यूजन वाला. सिंपल डिफ्यूजन का जो क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. तो ये क्या एब्जॉर्व करता है, ग्लूकोज, अम्यूनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स. अब उसके बाद सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अम्यूनो एसिड आर एब्जॉर्व्ड बाय कैरियर प्रोटीन, इसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी. तो ये तीन हो गया. सबसे पहला वाला जो था वो क्या था, फैसिलिटेटेड, सॉरी हाँ, पहला वाला सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे हो गया, ग्लूकोज अम्यूनो एसिड, ठीक है. उसके बाद फैसिलिटेटेड वाला ग्लूकोज एंड अम्यूनो एसिड. उसके बाद ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से क्या पास होता है, वाटर पास होता है. और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है, मतलब कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अम्यूनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म.
तो बेसिकली बात ये है कि सबके सब तो कहीं पे ग्लूकोज क्या है फैसिलिटेटेड से हो जा रहा है, कहीं पे सिंपल डिफ्यूजन से हो जा रहा है, कहीं पे उसको क्या चाहिए हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए हो रहा है, कहीं पे उसको क्या चाहिए हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए हो रहा है, तो ये एब्जॉर्ब ऐसे हो जा रहा है कहीं ना कहीं पे। ओके, फैटी एसिड की बात करते हैं और ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ब्लड में, सो दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, पहले एक इसमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं मिसेल कहते हैं, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड चाइलोमाइक्रोन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टेल्स इन द विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन small intestine, these lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream. Absorption of substance takes place different part of alimentary canal, mouth में भी होता है absorption किसका अभी हम आगे देखेंगे, stomach, small intestine, large intestine यहाँ पर भी absorb होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा absorption कहाँ होता है small intestine में होता है। जो ये है सबसे पहले जो माउथ होता है उसमें क्या है सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं म्यूकस जो हमारा माउथ होता है उसमें, और लोअर साइड ऑफ टंग में डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में, जो स्टमक है उसमें क्या है एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सिंपल शुगर का और अल्कोहल का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन किसका होता है प्राइमरीली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पे होता है किसका, फ्रुक्टोज का, फैटी एसिड का, ग्लूकोज का, ग्लिसरॉल का, अम्यूनो एसिड्स का, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में एंड लिम्फ में। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन सिर्फ वाटर का, कुछ मिनरल्स का और सर्टेन ड्रग्स का। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज़, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है ये क्या करता है फाइनली टिश्यूज़ को रीच करता है और वहाँ पर क्या करता है अपनी एक्टिविटीज़ करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इंटू कोहरेंट फीकल्स इन द रैक्टम, इनिशियली जो न्यूरल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या करते हैं अर्ज करते हैं डिज़ायर करते हैं उसके रिमूवल का, और इसका क्या होता है आउटसाइड जो डीफिकेशन होता है वो किससे होता है एक वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें दो स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, एक आउटसाइड स्पिंचर और एक इनसाइड, इनसाइड वाला क्या है इनवॉलेंट्री और आउटसाइड वाला क्या है वॉलेंट्री। तो यहाँ पे क्या मूवमेंट होता है मास पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होता है हमारी जो मसल्स होती हैं उनके थ्रू इसका बाहर बॉडी से बाहर इसको आउट करने के लिए। ये है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन आर कर्स्ड बाय पैरासाइट जो हैं इसके टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, इनसे क्या होता है इन्फ्लेमेशन होता है। सबसे पहले डिसऑर्डर तो यही है, ठीक है। एल्बेंडाजॉल जो एक होती है क्या एंटी हेलिमेंथ, मतलब एक मेडिसन होती है जो दी जाती है टू किल द स्कैरस और अदर वॉर्म्स। उसके बाद एक और जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसमें सबसे पहले अब एक आती है जॉन्डिस। जॉन्डिस किसको अफेक्ट करती है लिवर को अफेक्ट करती है, तो जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं टर्न करते हैं, जो हमारी आई होती है हमारी स्किन होती है उसको किस में टर्न करते हैं वो, मतलब येलोइश हो जाता है, ठीक है। वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो क्या होता है मेड्यूला, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी इनिशिएशन किससे होती है नोज़िया से, यानी कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नॉट फीलिंग वेल जो नोज़िया कंडीशन होती है वो बिफोर वॉमिटिंग। उसके बाद डायरिया क्या होता है लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है लेस हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि क्या हो जाता है जो इसमें कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का, और जो फीकल मटीरियल होता है वो क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या वो बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता बॉडी से, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उसके बाद इंजेशन क्या होती है एक फीलिंग होती है फुलनेस की, मतलब कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये किस वजह से होता है इनएडिक्वेट एंजाइम्स के सिक्रीशन से, मतलब जब स्पाइसी खा लिया, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, फूड पॉइजनिंग हो गई, एनजाइटी, तो ये कुछ रीजंस होते हैं इसके। अब है PEM, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज,
ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ये प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है ये क्या है, लार्ज साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया भी आता है। तो क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है। ये क्या करता है, ये लार्ज सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। दिस हैपन्स इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ वॉर। ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है ये माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू ड्रॉट हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब कि कुछ ऐसे वॉर, मतलब कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से भी ये होता है। अब इसमें जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को और चिल्ड्रंस को टू प्रोड्यूस मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो ये दो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो मेरास्मस क्या होता है, इज प्रोड्यूस्ड बाई साइमेंटेनियसली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। ये किस में होती है, इन्फेंट्स में होती है, लेस देन वन ईयर मेरास्मस। ठीक है, क्योंकि जब मदर्स मिल्क रिप्लेस हो जाता है किसी फूड से, मतलब पुअर कंटेंट वाली प्रोटीन से, तो ये तब होती है। ये बेसिकली सेकेंड प्रेगनेंसी में होती है, या फिर जो बड़ा वाला बच्चा है माँ का वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, यंग होता है, और दूसरी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए भी होता है। इन मेरास्मस प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। एक्सट्रीम इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड एंड थिनिंग ऑफ लिम रिजल्ट इन द स्किन बिकम ड्राई, थिन और विंकल्ड। जो ग्रोथ रेट होता है और बॉडी का वेट होता है वो क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। अब जो क्वाशियोरकर होती है ये क्या होती है, ये भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है। अनअकम्प्लिश्ड बाय कैलोरीज डिफिशियंसी इट रिजल्ट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ, ये भी सेम वही चीज़ है, बट इसमें क्या है कि ये जो है ये मोर देन वन ईयर के चिल्ड्रन में हो रही है। ठीक है, क्वाशियोरकर मोर देन वन ईयर के चिल्ड्रन में हो रही है, और मेरास्मस लेस देन वन ईयर के चाइल्ड में हो रही है। लाइक मेरास्मस इसमें भी सेम वही चीज़ होती है, लेकिन जो क्वाशियोरकर होता है इसमें क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ जो फैट है वो स्किन में क्या है रहता है, लेकिन इसमें क्या है एक्सटेंसिव एडिमा। एडिमा मतलब क्या होता है, हमारे टिश्यू जो होते हैं उसमें क्या हो जाता है, वाटर की फिलिंग हो जाती है, एंड स्वेलिंग पार्ट ऑफ बॉडी आर सीन। अब जो इसकी समरी है वो ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री किनारा और एसोसिएट ग्लैंड दो में कन्वर्ट है। ठीक हो गया, ये हमने सब पढ़ा है, पेरिस्टाइलिसिस, एब्जॉर्प्शन, फूड एंड रिजन ग्लिसरॉल। सो ये इसकी यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो उसके बाद है, वो है रेस्पिरेशन। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।